नाउ ग्रेविटेशन पार्ट फाइव, सैटेलाइट स्पेशली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दैट यू हैव टू अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. बट इन दिस सैटेलाइट सम फंडामेंटल इज रिक्वायर्ड. नंबर वन, वॉट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट? सैटेलाइट इज अ बॉडी विच कंटिन्यूसली रिवॉल्व ऑन इट्स ओन अराउंड अ मच लार्जर बॉडी इन अ स्टेबल ऑर्बिट. एक ऐसा बॉडी जो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करे किसी एक बड़ी बॉडी के अराउंड में, लेकिन वो स्टेबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करे, तभी हम उसको बोलते हैं सैटेलाइट. जैसे नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का मून है, वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ये नेचुरल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल भी है, आर्यभट्ट, रोहिणी, IRS वगैरह वगैरह बहुत सारा है. नाउ द प्रोजेक्शन, हाउ द सैटेलाइट इज बीइंग प्रोजेक्टेड. हियर अर्थ, दिस अ टावर. ऑन दिस पर्टिकुलर टावर, जस्ट आई हैव टेकन एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी, एंड दैट बॉडी टॉप ऑफ द टावर एंड आउटसाइड द अर्थ सरफेस. When a body is projected with a low velocity, what happens? It describes a parabolic path and it falls down onto the surface of the earth. Like that. If we are going to increase the velocity increases a little bit more, then again it follows the parabolic path and it reaches. Again we are going to increase its velocity, then what happens? It goes further and further, and ultimately what happens? At a certain horizontal maximum, or the you can say the minimum velocity, not maximum, minimum velocity by which if any object is being projected, एक मिनिमम वेलोसिटी से इसको अगर फेंका जाए, सो दैट द बॉडी विल नॉट हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ. बॉडी विल नॉट हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ बट विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल एंड अंडर द ग्रेविटी एंड अटेम्प्ट टू फॉल टू द अर्थ बट मिसिंग इट ऑल द टाइम. This is the earth here up to, but missing it all the time, and it starts revolving like that. That's interesting. So that particular minimum velocity is your orbital velocity, and then this body becomes satellite. एक minimum velocity से इसको अगर फेंका जाए, अगर इसका वेलोसिटी कम होगा तो ये सरफेस पैराबोलिक पाथ बनाते हुए सरफेस पर गिर रहा है, फिर इसका वेलोसिटी को इंक्रीज किए, यहाँ पर भी आके गिरा, लेकिन एक सर्टेन वेलोसिटी पर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर हम अगर इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस बॉडी को, तो ऐसा होता है कि इस बॉडी को अर्थ का सरफेस नहीं मिलेगा. इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग. दैट वेलोसिटी इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी. Now comes to the point is that satellite. So ये satellite कैसे project किया जाता है उसके बारे में, ठीक है. Satellite ये अर्थ के चारों ओर ऐसे से रिवॉल्व करना शुरू करेगा. इस satellite को अर्थ का सर्फेस मिल नहीं पाएगा because of the time and time passes. It is not falling onto the earth. That the horizontal speed is known as a orbital velocity. Now the satellite are of two types. One mainly first is geostationary satellite, and second is your polar satellite. Geostationary, from the name it's very clear. What is the meaning of the geostationary satellite? The meaning is of the geostationary satellite is that if it's a meaning, try to understand, if a satellite is made to revolve from west to east, here the earth is there,
एंड एज अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग वेस्ट टू ईस्ट, सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, वेस्ट इज योर दिस एंड दिस इज योर ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट, इफ अ सैटेलाइट मूव्स फ्रॉम और रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विथ अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 24 आवर्स इन सर्कुलर कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ. इक्वेटोरियल, ये जो इक्वेटर है इसके अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहा है, इक्वेटर के अराउंड. टाइम पीरियड 24 आवर्स एंड इस इक्वेटर के प्लेन के अराउंड ही घूम रहा है. इट्स अ रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ विल बी जीरो. कौन सा वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज जीरो, राइट? देन सच सैटेलाइट इज नोन एज द जियोस्टेशन सैटेलाइट, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर ये अर्थ है, ये मानो सैटेलाइट है, इसका ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है. मीन्स सेम फेज इज स्कैनिंग स्कैन्ड बाय द सैटेलाइट. इसीलिए रिलेटिव स्पीड इसका क्या होता है? जीरो. तो ऐसा लगता है कि अर्थ के रेस्पेक्ट, अर्थ का ये रीजन के रेस्पेक्ट में ये वाला पार्ट रेस्ट में है. रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो एंड टाइम पीरियड इज 24 आवर एंड दिस सैटेलाइट इज मूविंग इन अ प्लेन ऑफ द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, दैट इज द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. एंड पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट इज द सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स द इक्वेटर एंड दिस इज अ पोलर रीजन, नॉर्थ एंड साउथ. इक्वेटर के परपेंडिकुलर, इक्वेटर के परपेंडिकुलर अगर ऐसा कोई सैटेलाइट है जो नॉर्थ टू साउथ ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है नॉर्थ टू साउथ, देन दिस इज नोन एज अ पोलर सैटेलाइट. और इक्वेटर के अराउंड कौन कर रहा है? जियोस्टेशन सैटेलाइट. पोलर के अराउंड, पोल के अराउंड कौन कर रहा है? पोलर सैटेलाइट, राइट? नाउ कम्स टू द पॉइंट, द यूजेस ऑफ जियोस्टेशन सैटेलाइट. फर्स्ट यूज इन केस ऑफ कम्युनिकेशन, टीवी, टेलीफोन, सिग्नल एटसेट्रा. सो इट इज स्पेशली द कम्युनिकेशन. दिस सैटेलाइट इज बेसिकली फॉर द कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज ऑल्सो नोन एज अ जियोस्टेशन सैटेलाइट. नंबर टू, स्टडिंग द अपर लेयर ऑफ द एटमोसफियर. नंबर थ्री, द स्टडिंग द मेट्योर्स और मेट्योराइट्स. नंबर फोर, द स्टडिंग द सोलर रेडिएशन एंड द कॉस्मिक रेज. दीज मेन यूजेस आर देयर ऑफ द जियोस्टेशन सैटेलाइट. नाउ कम्स टू द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट. हियर द अर्थ इज देयर, सो दिस इज अर्थ, रेडियस आर, एंड एट एच हाइट वन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग विद द स्पीड ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है? ऑर्बिटल स्पीड से जैसा सैटेलाइट घूम रहा है, राइट? इक्वेटर के अराउंड में, मान लेते हैं ये इक्वेटर के अराउंड में. सो टाइम पीरियड निकालना है. टाइम पीरियड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी. ठीक है, कहाँ से आया? v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है. तो टाइम, टाइम पीरियड अगर है तो कैपिटल टी, तो टाइम पीरियड, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाई वेलोसिटी. अब इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है, कितना है ये हम देख रहे हैं. इसका किसका? इसका ऑर्बिट, ऑर्बिटल में या ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका सर्कमफेरेंस कितना? 2πr+h by orbital velocity v naught 2πr+h. orbital velocity का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे लास्ट वीडियो में, r plus h under root
इसको ये ऊपर ऊपर चलाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन, आर प्लस एच होल क्यूब बाई जी एम, टाइम पीरियड निकला फर्स्ट फॉर्म। अब जी एम को अगर हम और सेकेंड फॉर्म निकालना चाहें तो टू पाई आर प्लस एच होल क्यूब बाई जी इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी सेकेंड फॉर्म सकते हैं। कहाँ से आया, जी एम इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर, वाई जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, लग गया। तो दिस इज द डिफरेंट फॉर्म। अनदर फॉर्म, इफ मास इज इक्वल टू 4/3 मास ऑफ द अर्थ, 4/3 वॉल्यूम इंटू इंटू डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी इज रो, इफ एम इज इक्वल टू दिस मच, देन फ्रॉम द इक्वेशन वन, वन में हम क्या करते हैं इसका वैल्यू पुट करते हैं एम की जगह, तो पी का वैल्यू हो जाएगा 2π अंडर रूट आर प्लस एच होल क्यूब बाय जी 4/3 π आर क्यूब इंटू रो। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं, सिंप्लीफाई करने से पहले हम लोग इसको ये करते हैं, इफ एच आर इज मच ग्रेटर देन एच, मीन्स सेटेलाइट इज क्लोजर, अगर हम ये लेके चलते हैं सेटेलाइट क्लोज है अर्थ के सर नज़दीक है, तो हम लोग आर प्लस एच को अप्रॉक्सीमेटली आर लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट आर क्यू बाई जी 4/3 π आर क्यूब इंटू रो, आर क्यूब कैंसिल, सो टी कितना आ जाएगा यहाँ पर 2π, ये 4/3 आया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका आर क्यूब ये ऊपर आ गया 3 तो ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, अप्रोक्सीमेशन है जी 4/3 ए बचा तो 3 ऊपर चला गया, दिस इतना। अनदर फॉर्म, दूसरा फॉर्म निकालने के लिए यहाँ पर टी इज इक्वल टू 2π, अभी ये वाले फॉर्मूला में हम यही टी प्लस एच आर प्लस एच को क्या लिए हैं आर अप्रोक्सीमेशन, तो ये आर क्यूब बाई कितना हो जाएगा जी एम, और जी एम की जगह फिर हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं आर क्यूब बाई जी आर स्क्वायर, ये कितना हो गया 2π अंडर रूट आर बाई जी, ये दूसरा फॉर्म आ गया, ये 2 था ये 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, ठीक है। अब और एक फॉर्म में हम लोग आते हैं, टी इज इक्वल टू नाउ द अनदर फॉर्म फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 3, टी इज इक्वल टू 2π इज देयर, नाउ इफ आई एम गोइंग टू टेक इट इनसाइड, इसको रूट के अंदर लेके जा रहे हैं, क्या हो जाएगा 4π स्क्वायर इंटू 3 बाय कितना था 4π जी रो, 4 कैंसिल, π कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 3π बाय जी रो, दैट इज अदर फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। If I am going to find the time period of the satellite, we know one formula, T is equal to 2π under root r by g,
पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द जी, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर एंड जी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन टाइम पीरियड विल बी 84.6 मिनट. इट इज कमिंग अराउंड 5078 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 84.6 मिनट. That is the time period of the geostationary satellite of the Earth. Another point, height of the satellite. How to find the height of the satellite? We know from the previous formula of equation number 1, T square is equal to, if squaring, 4 pi square r plus h whole cube by g r square. एक formula आया था. यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, r plus h is equal to, यहाँ cross multiply करके T square r square g by 4 pi square whole to the power 1/3 हो जाएगा. ये इधर इसको कर दिया सिंप्लीफाई, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t square r square g by 4 pi square whole to the power 1/3 माइनस आर, दैट इज द हाइट ऑफ द जियोस्टेशन सैटेलाइट. अनदर फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ द सैटेलाइट, इफ वी आर पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज फॉर द जियोस्टेशन सैटेलाइट ऑफ द फॉर द अर्थ, लाइक टी इज इक्वल टू 24 hours means how much second? 24 hours is equal to 86400 second. R is equal to 6400 kilometer. And G is equal to 9.8 meter per second square. Then H will be 35930 kilometer. That is the height of the geostationary satellite. H will be 35930 kilometer. So approximately 36,000 kilometer is the height of the geostationary satellite. 36,000 kilometer. Approx. Okay. So in the next video, we are going to discuss about some important numerical of the gravitation. Okay, that is the last topic.